20 मिनिट्रे कोरोना टेस्ट और ये सुखबर आसूची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रु एवं महामारी कोरोना जितेबले सारा विश्व को जितेबले थरहर करिछि सेतेबले आश्वस्त करना बोली गोटे खबर आसुछि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रु एवं ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रु खुशी रा खबर जहाला मात्र 20 मिनिट रे एणिकि कोरोना टेस्ट करा जाई पारिबो। टेस्ट पे सैंपल कलेक्शन रा आवश्यकता नाही किबा कार सहाय्य नबार बी आवश्यकता नाही। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं ब्रिटेन रा एक प्रतिष्ठित डायग्नोस्टिक संस्थार मिलित प्रयास रे ई किट को निर्माण करा जाईछि जहाँ कोरोना विरोधी लड़ाई रे गेम चेंजर हब बोली कुहा जाउची। गेम चेंजिंग एंटीबॉडी टेस्ट एक कुहा जाउची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रा किट को कौन सी भी व्यक्ति औषध दुकान आनी निज घरे निजर परीक्षा करिपारिबे जार रिपोर्ट मात्र 20 मिनिट मध्यरे मिलि जिवो। एई एंटीबॉडी टेस्ट किट परीक्षण रे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को 98.6% सफलता मिलिछि खूब बड़ सफलता कहा जाइ परबो। एवं एबीसी 19 लैटरल फ्लो टेस्ट नामक ए किट चलित वर्ष शेष सुधा मार्केट रे बा बाजार रे सर्वसाधारण के पाई उपलब्ध हेबो बोली एक कथा मध्य कहा जाइ छि। एवं प्रथम पर्याय पाखापाखि 300 लोकों ऊपर यार प्रयोग करा जाइतिला बा एकु नै कि परीक्षा करा जाइतिला एवं विशेषज्ञ को बेस सफलता मिलिछि 98.6% 99% रो सफलता बोली कहा जाइ परबो। ये गोटे खूब बड़ कथा एवं ये जमी हैंडी किट मैंने आपण जो किणवे जमी डायबेटिस टेस्ट करते प्रेग्नेंसी टेस्ट जमी गोटे छोटिया किट मध्यम करजाक्टली सामान प्रोसीजर यही किट्र अधिक आलोचना करवा आम सहित रोचार सम अल्टीमेट्रु प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धर और डॉक्टर धर आपको स्वागत करी आलोचना को ये जितेबले यहाँ निश्चित भाव कहपर जो गोटे समस्त डरिकी रही आम सेरोलॉजिकल सर्वे एंटीबॉडी टेस्ट करने कथा कहे आम आरटीपीसीआर कथा कहे आम स्वाब टेस्ट कथा कहे आरटीपीसीआर कथा कहे आम ब्लड सैंपल नाक पड़े गोटे लंबा अनेक एमती भी अभियोग करें से टेस्ट आभेलेबल हो पारे लोकर जना पड़नी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एमती गोटे खबर आणुची गेम चेंजिंग ये पूरा सारा खेल को ही अलग करदेव गोटे नुआ आशा गोटे कहपर गोटे उज्ज्वल आशार देखा आमपाई जोटा कहा जा खूब कम समय भितर आप नेगेटिव कि पॉजिटिव जना पड़ो तो आवश्यक आपपारे आप तार ट्रीटमेंट तेणु केते बड़ खुशी खबर एक आम कहीपर बहुत बड़ खुशी खबर नुहे इतिश्री जमी आप भाई गोटे एंटीबॉडी टेस्ट एटा करवा द्वारा आम जापर कौ मैंने इम्यून होती कौ मैंने आगुरी एक्सपोजर होती भितर इम्यूनिटी डेभलप कर प्रभाव में जापर कौ लोक वर्क स्टेशन को जापर संभवत से आगु इनफेक्शन होती जहाद्वारा भितर इम्यूनिटी डेभलप कर सब बड़ जिनसने जेहतु देखी जो 300 लोकों भितर टेस्ट करके तार स्पेसीफिसी भल अच्छी मैंने 98% 6% जमी आप कहे यहाँ सेनसीटिव हो पाए तो मैंने जहाँ देहर एंटीबॉडी डेवलप पॉजिटिव आसव जोटा कि सब भल जिन आपण मैंने जानते आम देश में एनआईवी पुणे मे मस 5-10 तारीख भितर आम एंटीबॉडी टेस्टिंग होटा आम सीरो सर्विलेंस इंडिजिनियस आम भारत में या जिन जोटा को आम बेस गुरुत्व दूनु गोटे जिन भल अच्छे से कहते जो आम बहुत बेस स्पेसीफिक जोटा कि पॉइंट ऑफ केयर हो पार घरे ऑनलाइन फ्री टेस्ट करें प्रेगनेंसी टेस्ट डायबिटीज टेस्ट आप कहते 20 मिनिट भर से टेस्ट करेंगे आप जापर आप इम्यूनिटी डेवलप करी ना कि पद्धति से बेसी फलप्रद हम नहीं आम केवल इम्यूनिटी जाना कम्युनिटी इम्यूनिटी जाना आम यूज ट्रीटमेंट करना एंटीबॉडी बॉडी रे डेवलप करने को 9-10 दिन पर ही डेवलप करे तेणु यहाँ एक्टिव इन्फेक्शन अच्छी ना आम जापरने टेस्ट द्वारा केवल गोटे जिन आम जापर कौन जिन आगु इन्फेक्शन होता ता भर एंटीबॉडी डेवलप करफिसीएंट एंटीबॉडी जदि आप कम्युनिटी लेवल जोटा कि आम जमी सीरो सर्विलेंस बर्तमान भुवनेश्वर में द्वारा आम कम्युनिटी जो मैंने एक्टिव सर्विलेंस जो मैंने काम करते डाक्टर ये कहला जो मैंने कोविड वॉरियर है जो मैंने सफाई कर्मचारी जो मैंने बेसी एक्सपोजर होती भितर इम्यूनिटी डेवलप कला कि ना कि कौटे स्लम एरिया जो आप सर्विलेंस जाऊँ जो बेसी इनफेक्शन रोचे
ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖା କରିବ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା କୌଣସି ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସମାନ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟିଂ। ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ର ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଟାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ବା ଆପଣ କେତେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଇଏ ରୋଗ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆପଣ ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ ଜାଣିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ଦୁଇଟା ଭିତରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଫେକ୍ସନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯିଏ ପଜିଟିଭ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡିକ, ଏଟା ବି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଅଛି କିମ୍ବା କୋରିଆରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଟା ପାଖାପାଖି ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଯାହାର ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଯାହାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କିଟ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଟା କେବଳ ବଡିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉଟାକି ଆଇଜିଜି ଆଣ୍ଟିବଡି ପାଖାପାଖି 9-10 ଦିନ ପରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର, ଏତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ତା ଦେହରେ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯଦି ଆଣ୍ଟିବଡି ନେଗେଟିଭ ହେଲା ଆପଣ କହିପାରିବେନି ତା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ବୋଲି, କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଡି କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେହରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପଜିଟିଭିଟି ଆସି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଇଂଲଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ନିରୂପଣ କରିବାର କାପାସିଟି ବହୁତ ଭଲ, 98.6%, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଟେଷ୍ଟିଂର ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ଏଟା କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଆନ୍ତା ଯୋଉମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିକି ରିକଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଏଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ନାହିଁ। ଏଟା କେବଳ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏ ଯୋଉମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡି ପଜିଟିଭ ହେଇଛି ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପୋଜର ଏତେ ବେଶୀ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ରହେ, ଯୋଉଟା କି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଣ୍ଟିବଡି ରହିପାରେ, ଏଟା ଗୋଟେ ନୋଭେଲ ଭାଇରସ, ଆ ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ ବେଶୀ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା କେତେ ଆମ ପାଖି ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଦଉଛି ଏବେ ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ ଜାଣିପାରିବା ଭାଇରାଲ ରିସେଣ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇଜିଏମ୍ କିଟ୍ ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଇ ନପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ। ଡକ୍ଟର ଧର, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଏତିକି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୁଏତ ଏଇଟା ବ୍ରିଟେନ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶ ଯେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିନି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ନୁହେଁ ଯେ କେତେ ଅଧିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଆମ ଦେହରେ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ମାନେ ସେରୋ ସର୍ଭେ, ଆପଣ ଯଦି ସେରୋ ସର୍ଭେ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ ୟୁଜ୍ଫୁଲ ବେଶୀ, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ଟିପିସିଆର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଡିଜେନସ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଏହାର ପାଖାପାଖି 100% ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ମାସେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆର୍ଟିପିସିଆର ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେ, କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ କମ୍ବର୍ସମ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ଟା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଚେକ୍ ଆମ ସଂକ୍ରମଣ କମେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଛି। କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଇଦର ଆମେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯୋଉଟାକି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କେୟାର 30 ମିନିଟ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଆର୍ଟିପିସିଆର ଯୋଉଟାକି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ୟୁକେ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିବଡି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମ ପାଇଁ ସେରୋ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ର ଜରୁରୀ ଅଛି ଆଉ ଆର୍ଟିପିସିଆର ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ
वर्तमान नुआ केस डिटेक्शन आमको आइसोलेट करवा जमी आप सरकार कहते जो मैंने आसिम्टोमेटिक केसेस अच्छा 80% लोक आसिम्टोमेटिक केसेस अच्छे से डिटेक्ट करी आइसोलेट करवा कमी अन्य लोक को स्प्रेड न करेंगे यहाँ हूँ आम प्रथम लक्ष्य रोक जो एक्टिव सर्विलेंस बेसी जरूरी अच्छी स्थिर सर्विलेंस जो आम इम्युनिटी डेवलप करा रिसर्च पर्पज यूज करमर नेक्स्ट स्ट्राटेजी यूज करने यूज करें के कंटेनमेंट करवा के ट्रिटमेंट पद्धति को जीवा केमी अलग मानक आइसोलेट करवा कि कौन स्ट्राटेजी तेणु प्रोफेसर डॉक्टर धर आप कथ अनुसार मुझे कहीपरि जे एबीसी 19 लैटरल फ्लो टेस्ट जोटा कह हुए तो ब्रिटेन पर जो स्थिति नहीं किपे ये गोटे गेम चेंजर ये सरकार समर्थन करुच्चू अधिक रु अधिक प्रडक्शन करने मार्केट को छाड़ापी वर्तमान प्रस्तुति करुच्ची से दरकार कितु गोटे बड़ कथा आपत कहले एनआईबी कर डेली आई आई टी पक्ष गोटे सेमती होम किट बोधे गोटे छोटिया पैकेट आसूँ 650 टकर दाम एमती किट गुड़ाक प्रकृत प्रोफेसर धर केते यूजफुल प्रकृत में भारत वर्तमान जो स्थिति देखिए जागुड़ा के आरटीपीसीआर इज द बेस्ट एवं ताऊपर सब अधिक विश्वास ही करा जाई परिबो शुणु यही टेस्ट हूँ जमी बर्तमान थायरोकेयर की आम एनआईवी जो कार्डिला टेस्ट करती बहुत गुडा टेस्ट बर्तमान इंडिया रे अवेलेबल अच्छी जोटा कि एलाइजा मेथड रे करते जोटा कि 98.6% स्पेसीफिक आम यार सेनसीटिविटी स्पेसीफिक जाणी ना कि जेहतु यहाँ गोटे भल टेस्ट आम जापर आम भितर इम्युनिटी डेभलप कला कि ना जो जो मैंने आक्टिव सर्विलेंस रे हेल्पफुल अच्छा जो मैंने कोविड वारियर्स अच्छा प्रथम चेकअप करवा जो कम्युनिटी आम भावे ये कम्युनिटी स्प्रेड कर भाया लक्षण अच्छी जो बहुत बेसी लोक जो जगार मिलूं से जगार आम एंटीबॉडी अलग लोक मैंने जो मैंने आसिम्टोमेटिक अच्छा भितर एंटीबॉडी डेवलप करना आम जाना यादारा आम स्ट्राटेजी बनई पार ट्रीटमेंट आमको आइसोलेशन दरकार अच्छी जो मैंने स्प्रेड कर अलग मानक आमको आरटीपीसीआर कि एंटीजन किट उपर डिपेंड करवा जो किट गुड़ आम डिस्कशन करो एंटीबॉडी किट एगुड़ मध्यम आम केवल आम भितर इम्युनिटी के जापर ट्रीटमेंट एट बहुत बेस आम हेल्पफुल हमी आम भविष्य में कौन स्ट्राटेजी करवा आमर कौन करमर कम्युनिटी स्प्रेड ताउपरेटा निश्चय हेल्पफुल हम आम जानापी जापर जे आमर कम्युनिटी केते सेफ इंडिया रे बहुत गुड जगार एमती टेस्टिंग सेरो सर्विलेंस करा है कि तार रेकर्ड एवे पर्यंत आम पाखे ना कि बहुत बेसी आशातीत फल आमको मिली ना कारण आम देखा जाए आम कम्युनिटी स्प्रेड एपर्क 100% होना जिते गुड़िक डाटा रोचे किंतु जेहेतु लोकल संक्रमण धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलू आप देखो प्रतिदिन वर्तमान पाखापाखि 30% कि 25% लोक संक्रमण होते 700 केते लोक रु का पाखापाखि 269 जक लोकाल संक्रमण यही क्षेत्र में आम जाना जो मैंने आसिम्टोमेटिक अच्छा संभवतः से किसीटा इनफेक्शन है कि भितर एंटीबॉडी डेवलप कर जाए इम्युनिटी डेवलप करियरु प्रोफेसर धर ये गोटे कथा अच्छे आम किसी दिन तले लगातार भारी चर्चा खबर आसा चर्चा ये खबर आसी हर्ड इम्युनिटी कथा जो आम कहते हर्ड इम्युनिटी जो हम 70% आपंकर डेवलप कर गोटे करोना भाइरस जदि आप पॉजिटिव हो जाते हर्ड इम्युनिटी आसीज और डाउनफॉल हम जोटा को लेकिन आम समस्त अपेक्षा कर रही है कि ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग बा ई जो सब टेस्टिंग आसुची सेरो सर्वेलेंस होउची तो एथुरु आमे कहि परबा गोटिए कथा निष्कर्ष बाहरि पारिबो जे प्रकृतरे से जो हर्ड इम्युनिटी कथा कुआ जाउथला ई सेही इम्युनिटी खोजा चली छी कि वर्तमान ए कथा कुआ जाई परबो के निश्चय निश्चय कुआ जाई परबो आमे आग्रु जानि के हर्ड इम्युनिटी पई हमको 70% लोकंको इन्फेक्टेड है इम्युनिटी डेवलप करिया पड़िबो तो ए जो टेस्टिंग माध्यम रे आमे जदि किसीटा फुल टेस्ट करके देखिबा जे बहुत लोक इम्युनिटी डेवलप करिगलानी संभवतः कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए आमर जेहतु रोग प्रतिशक्ति भल अच्छी आम इम्युनिटी डेवलप कर जाऊ गोटे भल संकेत आम पाई देव किंतु जदि कम रहा आम एक्टिव सर्विलेंस करवा जरूरी अच्छी जो जिस आम बारंबार कहचु आम हर्ड इम्युनिटी को जापना कारण आम लोक संख्या बहुत अधिका आमर से संबल ना कि आम भित्तिमि से
आउ सेतरे भी बहुत लोक मृताहत मृत्युबरण करिवार चांसेस अछि ठीक तेनो आमे जहां संभव अछि सेही हिसाब रे आमे ये रिस्क नै पारिबानी कितु डॉक्टर धर ये गोटे पर कथा आमे एबे देखु छै वर्तमान रो जति स्थिति देखिबा ओडिसा खाली कथा नै सारा भारत रे भी जते बळे किछि फ्लू लाइक सिम्पटम्स देखा जाउ छै आपन प्रथम रो कहिछन ये गोटे बहुत किछि प्रथमे देखाबानी से ठंडा टिके ज्वर टिके कि कासटा किछि कटा कितु बहुत जणक काले आमे कोविड पॉजिटिव हे जइबो कि नै कि निजे निजे किछि किछि आपनकर फ्लू सिम्पटम थिले भी खाई दउचंती मेडिसिन एवं ए एटा नै कि समस्त पई गोटे गोटे कोन वार्ता देबे जे प्रकृत रे ये ठीक रहिबो ना प्रकृत रे आपन कोना कोटे टेस्टिंग को आसीबा दरकार टेस्टिंग कवर भीतर को आसीबा दरकार निश्चय टेस्टिंग कवर को आसीबा दरकार अछि जो मन को समने भाबुचंती काले आमे कोविड रो संक्रमण हेतै परे आमे काले असिम्प्टोमेटिक हेतु किंबा अन्य कोनसी रोग रे आमे पीड़ित हेतले काले ता सहित कोविड इन्फेक्शन अछि सेमन को सत्व प्रभुत्व भाबे टेस्टिंग करै परिबे आतिकि बहुत गुडे सेंटर अछि जोके करि परिबे किंबा सरकारी स्तर रे टेस्टिंग करि परे सबुटो बड दिन सला वर्तमान आमे एंटीजन किट अछि जोडा कि लक्षाधिक संख्या रे अछि सरकार भी कहिछन्ती एटा बहुत बेसी कॉस्टली नहि 4500 टंका एवं जीएसटी रे आमे अवेलेबल हे परिबो तेनो अल्प कॉस्ट रे आमे एंटीजन किट द्वारा आमे जानि परिबा से माने इन्फेक्टेड अछि कि नहि प्रोफेसर धार ये भी गोटे प्रश्न आछ आपन जदि कहउछन्ती एटा केवल एमिति गोटे जो टेस्टिंग इमीडिएट टेस्टिंग 20 मिनिट रे 30 मिनिट रे इथरु जणा पडिबो जे प्रकृति आपन एंटीबॉडी डेवलप करछो नै सीधा सलक जणा पडिबनी किंतु कोविड जो कथा कहा जाउ छै गेम चेंजिंग एंटीबॉडी टेस्ट एबीसी 19 सेमन को कहबा कथा जे ये जो किट रे आपन जतरे टेस्ट करिवे सतर जदि आपन कोविड पॉजिटिव थिबे दुइटा गार आसी जइबो जस्ट लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट तो एथिरु जदि एमिति किछ आमा हाथ रे वर्तमान लागू छी तले आमा लोक एमिति त मन इच्छा मेडिसिन खाइ दउचंती तनो एटा जतरे लागिवो जे मु कोविड पॉजिटिव हे जाइ छी तनो मु किछिटा सेही भली भाबरे बहुत अधिक गुरुतर सहित न नहीं कि मन इच्छा औषध खाई देवी ये गोटे चांसेस भी क्रिएट हो जोटा को नहीं कि वो तो सीवियर हो पारे निश्चय जदि आपन भितर एंटीबॉडी डेवलप करै छै कि संभवत आपन किछिटा इन्फेक्शन हे कि आपन इम्यून हे गेलै जोटा पई आपन पई गोटे खुशी रो खबर हे छै पारे तेनो आपन अननेसेसरी कोनोसी औषध खाइबे नै आमी त जानि जाय आपन कोनोसी स्पेसिफिक औषध नै लोक ओवर द काउंटर बहुत गोटे एंटीबायोटिक खाउछन जे आजिस्ट्रो मेडिसिन जोटा कि एंटी बैक्टीरियल जोटा कि कोविड पई कोनोसी तार संपर्क नै किनु जो माने कोविड इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन संदेह थाय तांको दिया जाय ओवर द काउंटर ए केते गुडे औषधर जो मिसयूज होउछि कि ओवर यूज होउछि ताकु आमे ए टेस्ट द्वारा जानि परिबा किनु जो मानकर पॉजिटिव जिन दिटा गार पॉजिटिव अछि से मानको एंटीबॉडी डेवलप कर जे कि बोली कहबा से मानको भितरे एक्टिव इन्फेक्शन अछि कि नाही आमे जणा पडिबो नाही केवल दुटिते आरटीपीसीआर किमा एंटीजेन टेस्टिंग किट द्वारा सेटा जणा पडिबो एंटीजेन किट मध्ये 30 मिनिट भितरे करा जे परिबो नाजो फरिंजल स्वाब रे सेटा करा जाय निश्चित ए जो टेस्ट आमे डिस्कशन करू जेटा ब्लड रो टेस्ट करा जे परिबो सिंपल प्रिक द्वारा करा जे परिबो ठीक बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धर आपन एटा को स्पष्ट करले जे एमिति जो इमीडिएट जो जणा पडिबार जो रही छि किट आसुची एवं एटा आपन पॉजिटिव नेगेटिव जानिबा पके वेदर आपन एंटीबॉडी डेवलप करिछंती कि नाही सेटा ही जणा पडिबो त ये डायरेक्टली कोना कोडी आपन केते पॉजिटिव नेगेटिव अछंती ये नै कि कोनोसी हेल्प करियार नाही जोटी गोष्ठी संक्रमण हे ब्रिटेन भाया देश गुड़िक तांको पाई ये गोटे मिराकुलस रिजल्ट आनी पड़े कारण केते परसेंट लोक एंटीबॉडी डेवलप करिछंती बा संक्रमण टू से रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक वृद्धि पाई जाइछि संक्रमित हेबेनी ये कथा स्पष्ट हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत धर आम सहित जोड़ी होते हैं।